सीधी सी बात यह है फुलवा काका है? कि मेरे बाबूजी नहीं चाहते ये फिल्म में काम करे और मैं चाहता हूँ ये फिल्म में काम करे। इसके पास माल वाले है कि नहीं? पूछा तो नहीं, गांव से बम्बई आया है तो कुछ तो होगा। और फोटो खिंचाना पड़ेगा, बढ़िया 7-8 फोटो अलग अलग एक्शन में, जैसे हंसते हुए रोते हुए गाना गुनगुनाते हुए, गाना गाते हुए, उछलते हुए, मार खाते हुए, मारते हुए। सुन लियो जी, जब तक गंगा का मन करेगा वो यही रहेगा। अब उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उसको धक्का देके काहे को भगाना चाहते हैं जी? जाएगा? नहीं जाएगा। जाएगा? अरे वाह, घर की मालकिन हम है तो आप जाने का हुक्म कैसे दीजिएगा? या तो यही घर में रहेगा या हम रहेंगे। अगर यही घर से नहीं जाएगा ना तो हम चले जाएंगे। अरे बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? अरे क्या हुआ जी बाबूजी? अरे बाबूजी, मोहन साहब नटराज स्टूडियो बुलाए हैं, रुपया वहीं देंगे। नटराज स्टूडियो? काहे को? वहां शूटिंग चल रही है ना, इसलिए। जब हम फोन किए तो वो शूटिंग के लिए निकल ही रहे थे तो उन्होंने कहा नटराज स्टूडियो आ जाओ, रुपया दे देंगे। तो हम जाए? हाँ जाओ, मगर गंगाराम को संगे नहीं ले जाना। फिर आप गंगा के पीछे पड़ गए जी? अरे तुम कुछ समझते नहीं हो, ये फिल्म लाइन के चक्कर में अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो गए। अरे गंगाराम तो गांव का सीधा साधा गंवार लड़का है, ओकरे यहाँ कोनो भविष्य नहीं है। अरे कहीं फिल्म के चक्कर में वो बर्बाद हो गया ना तो गांव वाले कहेंगे कि राम मिलन ने समझाया तक नहीं, समझे कि नहीं? अगर वो संगे गया तो हमसे बुरा कोनो नहीं होगा। चुप्पे चाप यहाँ से जाओ और रुपया लेके जल्दी से आओ, समझे? अच्छा बाबूजी। गंगाराम गंगाराम गंगाराम, घर से चला गया फिर भी पीछा नहीं छोड़ते। अब आप आराम कीजिए, चलिए लेटिए, आराम कीजिए। दोस्त जल्दी तैयार हो जाओ, हमें स्टूडियो चलना है। स्टूडियो? स्टूडियो नहीं, स्टूडियो स्टूडियो फिल्म स्टूडियो, वहाँ कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। सुबह ही प्रोड्यूसर मोहन साहब से मेरी फोन पर बात हुई थी, उन्होंने मुझे बुलाया है। फुलवा काका भी उसी प्रोडक्शन में काम करते हैं, वो भी वही होंगे, उनसे कहकर तुम प्रोड्यूसर से मिल सकते हो। तो क्या मोहन जी ने तुमको बुलाया एक्टिंग के लिए? अरे नहीं, परेशान मत हो, रास्ते में सब बता दूंगा। देरी हो रही है, जल्दी तैयार हो जाओ, अगर बाबूजी ने देख लिया ना तो सब कपड़ा हो जाएगा। तो ठीक है। हाँ। तुम ठहरो, अभी 2 मिनट में तैयार होके आते। वो फोटो ले लेना वहाँ दिखाने के लिए। किस स्टूडियो में जा रहे हो तुम लोग? नटराज स्टूडियो में दीदी। अब बाबूजी की तबीयत कैसी है? अब ठीक है दीदी। अच्छा ठीक है, मैं भी स्कूल जाती हूँ, मुझे भी देरी हो रही है। जमुना। हाँ दीदी। मैं जा रही हूँ। अच्छा। अरे एक बात बताओ यार, हमारा समझ में नहीं आ रहा कौन सा कपड़ा पहने। सबसे अच्छा कपड़ा कौन सा है वो पहनो। ठीक है, इसको हम उतार ही देते हैं। आज मंदिर जाना है। मंदिर जाए, बजरंग बली तेरा ही सहारा है। हाँ, अरे तुम फिर आ गए? अरे काम से आए हैं, प्रोड्यूसर मोहन जी ने बुलाया है, पेमेंट लेना है। अरे आनंद। हाँ।
मोहन जी की शूटिंग कौन से फ्लोर पे चल रही है देखो जरा। पिया मिलन के सेट पर फ्लोर नंबर 2। तुमको मालूम है? मालूम है, तभी तो बता रहे हैं। मोहन जी के बंगले पर फर्नीचर का काम किया था, पेमेंट लेने के लिए बुलाया है। तुम बड़े ही हो। बड़े ही? हम तो आर्टिस्ट हैं, हमारे पिताजी बड़े ही, उनकी तबीयत खराब है इसलिए पेमेंट लेने के लिए हम आए हैं। लेकिन ये कौन है? अरे इन्हें नहीं जानते? ये गंगापुर के गंगाराम, नौटंकी के बादशाह हैं, बहुत जल्द इन्हें पहचान जाओगे। अरे चलो दोस्त चलो। क्या ये भी जो देख लिया ना, ये बाद में ले लो। वो जो है वो आउटडोर वाला जो शॉट है वो याद दिला। चाय चाय नहीं अच्छा वो वाला चाय चाय अच्छा 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 वो भी ले चाय फुला काका नोट कर लो। यारे गंगा तुम लोग यहाँ? मोहन जी ने बुलाया है बाबूजी का पेमेंट लेने के लिए, गंगा को भी साथ लाए हैं। अच्छा। सोचा आपसे कहकर मोहन जी से मिलवाएंगे। हाँ बहुत अच्छा किए, मौका देख के मिला ही देते हैं। फोटो वोटो लाए हो? हाँ जो कल खिंचवाए रहे ना वो लेके आए, ये देखिए। हाँ, क्या है, क्या अभी शॉट शुरू होने वाला है? तुम लोग चाय वाय पियो, जैसे मौका मिलेगा मोहन साहब से मिलवा देंगे। चलो चल चलो। ऐसे देख लेंगे, ऐसी कोई खास बात नहीं है। हाँ, सर। हाँ फुलवा क्या बात है? ये प्यारे है अपने राम मिलन बड़ाई का बेटा। अच्छा पेमेंट के लिए सुबह तुम्ही ने फोन किया था? हाँ सर। अरे गुप्ता जी। सर ये गंगा है, हमारे गंगापुर का बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है। ये देखिए कोई छोटा मोटा रोल हो हमारी फिल्म। नमस्ते सर, हम गंगापुर में नौटंकी में काम करते थे, वहाँ की नौटंकी के बादशाह रहे हम। हाँ, आप हमको फिल्म में काम दीजिए, हम आपका तबीयत खुश कर देंगे। ठीक है अगली फिल्म में देखेंगे, इस फिल्म की कास्टिंग तो पूरी हो चुकी है, 2-3 महीने बाद फुलवा के साथ आ जाना। यस सर। हाँ गुप्ता जी, ये रामिलन कारपेंटर का लड़का है, इसे चेक दे देना। ठीक है। और वाउचर पर साइन ले लेना। ओके सर। प्यारे जाओ चेक ले लो। ठीक है सर। सर हम थोड़ी देर रुककर शूटिंग देख सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ फुलवा इन्हें ले जाओ शूटिंग दिखा दो। जी हाँ आओ। देखो तुम लोग यहाँ बैठो, शूटिंग शुरू होगी तो तुम लोग बुला लेंगे। ठीक है? हाँ ठीक है। बैठो बैठो। हाँ जल्दी बुला लीजिए। हाँ बैठो बैठो। अरे अंकल आप यहाँ? मैं यहाँ शूटिंग रिपोर्ट लेने आया हूँ अपने अखबार के लिए। और तुम लोग यहाँ? बाबूजी का पेमेंट लेने के लिए आया हूँ, गंगा जी अपने काम के लिए मोहन जी से मिलने। कहीं काम वाम मिला? अरे नहीं अभी कोशिश चल रहा है ना, तो जितना लोग है उतने तरह का बात करते हैं, हमको तो समझ नहीं आता कि किससे बात करें किससे ना करें। हौसला रखो काम जरूर मिलेगा, पुंजानी से मिले। अरे उनका नाम मत लीजिए अंकल, बड़े मनहूस आदमी है। क्या हुआ? अरे पुंजानी साहब तो कहते हैं कि पहले फिल्म में पैसा लगाओ तब काम देंगे, और जब भी मिलते हैं तो यही कहते रहते हैं कि फिल्म में पैसा लगाओ तब काम देंगे। अब हमारे पास इतना पैसा होता तो हम इधर उधर काहे भटकते, हम खुद ही फिल्म बना लेते। अच्छा अच्छा इस पते पर चले जाओ, वहां भूषण जी से मिलना, डायरेक्टर है, नए कलाकार को लेके फिल्म बनाना चाहते, मैं उनसे तुम्हारे बारे में बात करूंगा। धन्यवाद पन्ना लाल जी, आप बात जरूर से कर लीजिएगा। जी हाँ जरूर करूंगा। अरे चलो चलो शॉट रेडी है, चलो हाँ, जल्दी चलो। अच्छा अच्छा नमस्ते। स्टार्ट साउंड, साउंड रोलिंग, कैमरा एक्शन। भैया मां के तिरस्कार पर इतना बड़ा पाप मत कर, आज तू इतना बड़ा डॉक्टर बना, ये सब माँ की वजह से है ना, और आज माँ के इलाज के लिए मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। कट कट कट, एक्टिंग कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, डायलॉग के डायलॉग खा गए, चेहरे पर एक्सप्रेशंस लाओ, ठीक से याद करो, सुना दो एक बार। सर जी एक मिनट। भैया माँ का तिरस्कार कर, इतना बड़ा पाप मत कर, आज तुम इतना बड़ा डॉक्टर बना, माँ की वजह से ही ना, माँ बहुत बीमार है भाई और मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है ठीक है ओके। चलो एक बार फिर से लेते हैं, टेक 3, साउंड स्टार्ट, कैमरा 2x1 टेक 3 एक्शन। भैया माँ के तिरस्कार पर इतना बड़ा
पाप मत करो, आज तुम इतने बड़े, सॉरी कट 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 कट, लाइट्स ऑफ। सुबह से शाम हो गई, एक शॉट नहीं दे पाए, पता नहीं कहां कहां से एक्टर बनने चले आते। भगाओ इसे और दूसरा आर्टिस्ट बुलाओ। सर इतनी जल्दी दूसरा आर्टिस्ट कहां से मिलेगा? ठीक है, सोचते हैं। ये तो बड़ा बुड़बक कलाकार हो, हमको तो एक बार सुन के याद हो गया था, दूसरे बार कभी याद हो गया है। अच्छा तो एक काम करना, उधर जाओ कैमरे के सामने और डायलॉग सुना दो। जाऊं? हाँ जाओ जाओ। माँ का तिरस्कार कर, इतना बड़ा गुनाह मत करो भैया। इतने बड़े डॉक्टर बने माँ की वजह से ही ना, तुमने अपनी मर्जी से शादी की, माँ अपने अरमानों का गला घोंट कर चुपचाप रही और तुम्हें आशीर्वाद देती रही। आज माँ बीमार है और मेरे पास पैसे नहीं। भैया माँ को यहाँ बुलाकर उसका इलाज करवा लो भैया, नहीं तो माँ मर जाएगी। ए तुम चुप करो। चुप, एक मिनट इधर आना। का है? तुमने कभी किसी फिल्म या सीरियल में काम किया है? अरे नहीं, हमको तो बंबई आए कुछ ही दिन हुए हैं, हमने फिल्म सीरियल में काम नहीं किया। हम वहाँ गांव में नौटंकी में काम करते रहे, वहाँ की नौटंकी के पास सर है हम। हाँ। सर ये फिल्म है, कोई नौटंकी नहीं है। अरे भाई कलाकार कलाकार होता है, और फिर उससे काम लेना डायरेक्टर के हाथ में होता है, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। ओके सर। जाओ इन्हें स्क्रिप्ट दो, बड़े भाई वाली रोल समझा दो इन्हें। हाँ क्या नाम बताया तुमने? गंगाराम। हाँ गंगाराम, तुम स्क्रिप्ट लो और डायलॉग याद कर लो। जी। ये लीजिए स्क्रिप्ट, डायलॉग जल्दी याद कर लो। फुलवा काका आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप मोहन बाबू से मिलवा के हमको काम दिलवा दिए। अरे धन्यवाद का कोनो बात नहीं, बनाने वाला सबका ऊपर बैठा है, लेकिन आज का काम तुम ठीक से नहीं किए ना तो हमारी नाक कट जाएगी जड़ से, मोहन बाबू हमको बहुत डांटेंगे। आप हमेशा नेगेटिव क्यों बोलते हैं काका, ये हमारा दोस्त है, देखना ऐसा एक्टिंग करेगा कि सबकी छुट्टी कर देगा। अरे आप विश्वास रखिए हम आपका नाक नहीं कटने देंगे। ठीक है तो हम चलते हैं, तुम डायलॉग याद कर लो और दिखा दो अपना कमाल। ठीक है। क्या हुआ दोस्त? आज हमको अनपढ़ होने का बहुत अफसोस हो रहा है, आज हमको एहसास हुआ कि इंसान के लिए पढ़ाई लिखाई कितना जरूरी है। सो तो है, लेकिन दोस्त ये अफसोस करने का टाइम नहीं है, ये खुशी मनाने का टाइम है। जो सपना लेकर तुम बॉम्बे आए थे, आज उस सपने को पूरा करने का एक रास्ता मिला है। चलो जल्दी से डायलॉग याद करो। अरे जब हमको पढ़ना लिखना नहीं आता तो कैसे याद करेंगे? एक काम करो, तुम इसको धीरे धीरे पढ़ते रहो, हम सुन सुन के याद करते रहेंगे। और मुंह क्या देख रहे हो, पढ़ो ना, हम जैसे नौटंकी भी याद करते थे वैसे ही याद कर लेंगे। ठीक है दोस्त, आज तो मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन हमेशा मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। काहे? अरे हमें भी तो एक्टर बनना है, मैं कहीं काम करूंगा तुम कहीं और करोगे। अच्छा ठीक है, आज तो पढ़ो, देखा जाएगा आगे का। ठीक है, पढ़ रहे हैं। मोहन जी। ठीक है, ठीक है। मोहन जी नमस्ते, मैं फिल्म रिपोर्टर पन्नालाल हूँ। कहिए क्या बात है? मैं आपके फिल्म की शूटिंग रिपोर्ट और आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। थोड़ी देर इंतजार कीजिए, शूटिंग के बाद फुर्सत में मिलेंगे। ठीक है सर, शॉट रेडी है सर। चलो फुल लाइट्स। अरे भाई गुप्ता जी, गंगाराम को जरा कैमरे के सामने भेजना। साउंड, कैमरा, एक्शन। माँ का तिरस्कार कर, इतना बड़ा पाप मत करो भैया। तुम इतने बड़े डॉक्टर बने किसकी वजह से? माँ की वजह से ही ना, तुमने अपनी मर्जी से शादी की, माँ अपने अरमानों का गला घोंट कर सकती रही और फिर भी तुम्हें आशीर्वाद दिया उसने। आज माँ बीमार है और मेरे पास पैसे नहीं है, उसे यहाँ बुलाकर उसका इलाज करवा लो भैया, नहीं तो माँ मर जाएगी। देखो भैया, मेरी बीवी अनपढ़ और गवार लोगों से सख्त नफरत करती है, वो तुम्हें और माँ को पसंद नहीं करती, इसीलिए मैं माँ को यहाँ नहीं ला सकता। हाँ अगर तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत हो वो तुम्हें दे सकता हूँ। क्या कहा, अनपढ़ और गवार? वाह भैया, माँ की ममता और भाई के दुलार को तुमने अनपढ़ और गवार नाम दिया। ये मत भूलो, उसी माँ की कोख से तुमने जन्म लिया, उसी का लहू तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है।
उसी गंवार माँ और अनपढ़ भाई के त्याग का परिणाम हो तुम, समझे? मैं जा रहा हूं, अपनी माँ का इलाज करवाऊंगा, इसके लिए चाहे मुझे अपने आप को बेचना भी पड़े तो मुझे परवाह नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन तुम उसी माँ के प्यार और भाई के दुलार के लिए तरसोगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। That it. Excellent, sir. Very good, गंगाराम, तुमने तो कमाल की एक्टिंग की। आज से तुम हमारे प्रोडक्शन के नए स्टाफ, और अगली फिल्म के अंदर हम तुम्हें बहुत बढ़िया रोल देंगे। धन्यवाद सर, जो आपने मुझे मौका दिया। अब तक तो तुम पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब मुझसे ज्यादा तुम पर विश्वास है। धन्यवाद। अरे वाह वाह गंगाराम, तुमने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। हम कह रहे हैं ना कि हमको एक बार मौका मिलना चाहिए बस। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये देखो हो गया ना तोरा काम। अब हम जाके आपन काम करते हैं। पूरा रास्ता सीधे जाना, कहीं आड़े टेढ़े नहीं जाना। चलो चलो। और कैसे रही? वाह भाई वाह गंगा जी, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। वाकई आप सचमुच बहुत अच्छे एक्टर हैं। अभी तक तो सिर्फ मैंने प्यारे के मुंह से ही आपकी तारीफ सुनी थी, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। अरे सिर्फ मुंह बोले तारीफ से काम नहीं चलेगा अंकल, हमारे दोस्त की एक्टिंग की तारीफ आपकी अखबार में भी होनी चाहिए। जरूर, इंडस्ट्री को एक नया और अच्छा कलाकार मिला है। मैं अपने अखबार में गंगा जी के अभिनय के बारे में जरूर लिखूंगा। वैसे आज आपने कैमरा पहली बार फेस किया, आपको कैसा लगा? अरे हमको तो मालूम ही नहीं पड़ा कि हमारे सामने कैमरा है। वो तो हम अपनी धुन में लगे हुए फटाफट डायलॉग बोल गए। आज हमारा आत्मविश्वास बढ़ गया है, अब हमको हमारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अरे हमको तो तुम एकदम एक्सलेंट एक्टर लगता है यार, हमको मालूम था एक दिन तुम अपना नाम जरूर रोशन करेगा यार। अरे काय को झूठ बोलते हो पुंजानी साहब, आप तो उस दिन कह रहे थे। अरे लंबे बाल वाला चुप करो, रात गई बात गई सुभाष गई। गंगाराम जी, हम अगली फिल्म में आपको रोल देना चाहता हूँ, बड़ा लंबा रोल है। अरे लेकिन आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? अरे साईं तुमसे पैसा कौन मांगता है, तुम तो बहुत बड़ा एक्टर हो गया है, पैसा तो नए लोगों से मांगता है। कल तुम ऑफिस में आ जाना। ऑफिस में क्यों? अरे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, एग्रीमेंट साइन करने के लिए, और काय के लिए। लेकिन बिना एडवांस लिए गंगा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा, पहले साइनिंग अमाउंट तो दो। अरे जिसने पैसा लेना है वो बात तक नहीं करता, तुम कौन हो जो बीच में बात करता है? गंगा मेरा भाई है। तो हम क्या इसका नाई है? गंगाराम जी थोड़ा इसको समझाओ ना, इस वक्त हमारे पास पैसा नहीं है, फिल्म कम्प्लीट हो जाएगा हम एक एक पैसा आपको दे देगा। पुंजानी साहब दाम नहीं तो काम नहीं, यही फिल्म लाइन का उसूल है। अरे पन्ना तुम हमारा खास यार है और गंगा तुम्हारा खास यार है, तुम ही कुछ समझाओ ना। पुंजानी ये बिजनेस का मामला है, इसमें मुझे ना ही घसीटो तो बहुत अच्छा है। गंगाराम जी अभी हम हिलता है, बाद में मिलेगा। झूले लाल। अच्छा जी झूले लाल। झूले लाल। पुंजानी जी साइनिंग अमाउंट के साथ ही मिलना। कमाल आदमी है। पड़ी को ऐसे ऐसे। हाँ अब अपने आप लिखो तो। क्या हुआ? अब इसके आगे क्या होता है? ये क्या आगे? इतनी जल्दी भूल गए? अभी तो लिखवाया था। तो एक ही बार बताया तो हम भूल गए, एक बार और बताइए तो हम नहीं भूलेंगे। हाँ काहे कि अभ्यास हो जाएगा। हमारी अम्मा कहती थी गांव में, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। चलो अब लिखो, तुम बातें बहुत बनाते हो। वो काहे कि आप इतना प्यार से पढ़ाते हो ना, तो हमको आपसे बात करने का बहुत मन करता है। इतने प्यार से तो आज तक हमसे कोई बात किया ही नहीं, और ना ही पढ़ाया हमको। हाँ। अच्छा एक और सीख मैं देती हूँ तुम्हें, आई की तरह। एक और सीख है क से जो शुरू। अब हमको मालूम है। हाँ, का, का। तो ग से क्या होता है बताओ तो। वो भी हमको मालूम है, ग से क्या होता है कुंती हमको बता ही रही। ग से गंगाराम। शाबाश, तो चलो पहले अपना नाम लिखना शुरू करो और सीखो कैसे लिखते हैं। ये देखो ग ऊपर बिंदी, फिर ग, फिर आकार, फिर र, फिर आकार और माँ गंगा राम। चलो इसको इसको अब 10 बार लिखो तब सीख जाओगे। 10 बार बहुत है, 5 बार नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, 10 बार लिखो। जमुना जरा देखना तो। ऐसे ही टाइम पे आते हैं, जम पढ़ लिखते रहते हैं। नमस्ते। नमस्ते आनंद भाव, ये गंगा राम जी है जिनके बारे मैंने आपको बताया। अच्छा अच्छा अच्छा। और गंगा जी ये आनंद भाऊ हैं, बहुत बड़े समाज सेवक हैं, इनकी देख रेख में बहुत सारी शिक्षा संस्थाएं चलती हैं। अच्छा नमस्ते। नमस्ते भाऊ,
मैं चाहती हूँ कि गंगा जी को आप अपने रात के स्कूल में भर्ती कर दे ताकि ये बहुत अच्छे से पढ़ लिख सके। नहीं, हम तो दिन में भी पढ़ते हैं। पर हमारा स्कूल तो रात ही को चलता है। हाँ, पढ़ाई लिखाई के मामले में हम हमेशा तैयार रहते हैं, तो ये शुभ काम आज ही से करते हैं। आज से? ठीक है। हाँ, मैं थोड़ा तुमसे काम की बात करनी है। हाँ भाव, बैठिए ना, बैठो। मैं प्रौढ़ शिक्षा पर एक सम्मेलन आयोजित कर रहा हूँ, उसमें मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। भाव, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। पता है मुझे, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। पर तुम्हें करना क्या है ये तो मुझे बताना ही पड़ेगा ना। लेकिन आज तो मैं स्कूल जा रही हूँ, कल मैं फ्री हूँ, अगर कल आ जाऊँ तो। ठीक है, कल थोड़ा समय निकाल कर तुम ऑफिस में आ जाओ। हाँ, वहीं विस्तार से बात कर लेंगे। हाँ जरूर, कल मैं आती हूँ। अभी मैं चलता हूँ। चाय तो पी के जाइए। आज बहुत काम है, फिर कभी। चलो गंगाराम, आज तुम एक महान तीर्थ पर प्रस्थान करने जा रही हो। जाएं? हाँ हाँ जाओ, डरो मत। नहीं, हम डर नहीं रहे हैं। आओ। हम तो आपका आज्ञा ले रहे हैं। जी, गांव का पता? गांव का पता, ग्राम और पोस्ट ऑफिस गंगापुर बिशनपुर बिहार। बिशनपुर बिहार। बिहार। हाँ। और यहाँ का पता? यहाँ का पता तो ऊ साधन जी वाला लिख दीजिए। अच्छा अच्छा। हाँ। चलो अब यहाँ पे अंगूठा लगा दो। अरे अरे नहीं नहीं। क्यों, अंगूठा नहीं लगाओगे? नहीं, हम दस्तखत कर सकते हैं। देखिए, लाइए, ये देखिए। अरे हाँ भाई, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। चलो यहाँ पे दस्तखत करो। कहाँ पे करना है? यहाँ पे। लाओ। चलो भाई गंगाराम, तुम्हारा एडमिशन हो गया, अब आज शाम 7 बजे से तुम आना शुरू करो। जी। देखो भाई, बिल्कुल नागा मत करना, जितना ज्यादा ध्यान लगाओगे उतना ज्यादा सीखोगे। अरे नहीं, हम बिल्कुल नागा नहीं करेंगे। हम काहे नागा करेंगे, अब हम जाते हैं, आज हम बहुत खुश हैं। जाके अब हम साधन जी खुशखबरी सुनाएंगे। क्या? कि हम स्कूल में भर्ती हो गए हैं और हमने पहली बार दस्तखत भी किया। अच्छी बात है भाई। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। हेलो गंगा, कहाँ से आ रहा है? स्कूल से पढ़कर। छोड़ यार, काम की बात कर। सुना है तुमने फिल्म में रोल किया है? हाँ, रोल अभी किया नहीं है, मोहन कुमार की फिल्म में अभी मिला है हमको रोल। फिल्म का नाम क्या है और रोल तुम्हारा? फिल्म का नाम है अपने पराए और हमारा एक गंवार का रोल है, लेकिन बहुत बढ़िया है। अब गंवार को गंवार का रोल नहीं मिलेगा तो क्या लाट साहब का रोल मिलेगा? अरे जो अभी हो, रोल मिला है हमको, बहुत खुशी है भाई। शुरुआत हो गया, आगे बजरंग बली की मर्जी। बजरंग बली क्या जानेगा, मैं बताता हूँ, आगे कुछ नहीं होने वाला। अरे ऐसे छोटे मोटे रोल हमने बहुत किए हैं पर आज तक इस्टैब्लिश नहीं हुआ। मुन्ना भाई, आज तक हम आपसे कुछ नहीं कहे, लेकिन आज कहते हैं। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हाँ, कहे कि आप जो भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं, और सच बात यह है कि आपको आत्मविश्वास नहीं है, और आत्मविश्वास इसलिए नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं है। हाँ। प्रोड्यूसर डायरेक्टर से ना तो आप ठीक से बात कर सकते हैं और ना काम मिलने पर ठीक से एक्टिंग कर सकते हैं, वो इसलिए कि आप में आत्मविश्वास नहीं है। आप खाल को बहुत बड़ा बड़ा देखते हैं लेकिन बगैर मेहनत किए सब कुछ पा लेना चाहते हैं। ये रंग बिरंगा कपड़ा पहनकर झूठ बोलकर आत्मविश्वास नहीं आता, आत्मविश्वास आता है पढ़ने लिखने से, समझे ना। हटिए। आगे आओ जमुना, चाय लेके आना। आज स्कूल में क्या सीखे? साधना जी, अब मुझे बहुत कुछ पढ़ना आ गया है, अब मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ, मुझे मालूम है कैसे लिखा जाता है। अच्छा। हाँ। कैसे, बताओ तो। बताता हूँ। हाँ ये लो। नहीं, इसी से मैंने भी आज नया पेन लिया, ये देखिए। गा में ऊपर बिंदी और दूसरे गा में आ की मात्रा गंगा और इधर रा और उसमें आ की मात्रा माँ छोटा गंगा और राम और दोनों मिला के हो गए गंगा राम। बहुत अच्छे, लेकिन सिर्फ गंगाराम पढ़ना लिखना सीखे या कुछ और भी? नहीं और भी, लेकिन धीरे धीरे। बाप
बस नहीं और भी अरे आप तो झूठे ही तारीफ लिख देती हमारी गंगाराम आप वाकई बहुत अच्छे हैं, हर काम लगन से करते हैं, पढ़ाई भी इसी का नतीजा है कि इतनी जल्दी इतना कुछ सीख गए। बिन गुरु मिले ना ज्ञान, ये ज्ञान तो हमने आप ही से पाया है, इसमें हमारा क्या तारीफ है। मुझे तो उस दिन का इंतजार है कि जिस दिन तुम अपने हाथों से अपने घर वालों को चिट्ठी लिखोगे, उन्हें कितनी खुशी होगी। और आपको? मुझे भी। तो ठीक है, ये खुशखबरी हम आपको बहुत जल्दी दे देंगे। ठीक है। अच्छा जिस फिल्म में तुमने काम किया है वो कब रिलीज होगी? वो तो मालूम नहीं कब रिलीज होगी, हम मोहन बाबू से पूछ के बताएंगे। आप देखेंगे ना हमारा फिल्म? जरूर देखूंगी, वो मेरी दूसरी खुशी होगी जो तुमसे मिलेगी। सच? आप में कितना अपनापन है साधना जी। अच्छा तुमने कैसे जाना? वैसा है, कोई अपना ही अपनों की खुशी को अपनी खुशी समझता है साधना जी। तुम्हारी बातें कितनी अच्छी लगती है, और उससे भी ज्यादा तुम अच्छे लगते हो जो हर किसी को अपना समझ लेते हो। ऐसा है कि एक दूसरे को अच्छा अच्छा कहते कहते कहीं रात ही न गुजर जाए और फिर भी फैसला नहीं हो पाएगा कि कौन अच्छा है। गंगापुर का गंगाराम, गंगापुर का गंगाराम, एक नंबरी कलाकार है, नामी है नौटंकी बाज, बड़े बड़े सपने वो देखे जाने माने गांव समाज, कितना भी हो जाए नाम बने नहीं विद्या बिन काम, कितना भी हो जाए नाम बने नहीं विद्या बिन काम, कहता है भाई गंगाराम।